नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के तमाम नेता संसद परिसर में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बता दें कि संजय सिंह, राघव चड्ढा समेत कई आम आदमी पार्टी के सांसद हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार जो है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल यहां पर सीधे तौर पर संजय सिंह हो या फिर राघव चड्ढा हो, हाथों में उन्होंने पोस्टर लिया रखा था और साथ ही उन्होंने नारेबाजी करते हुए ये कहा कि तानाशाही बंद करो और अरविंद केजरीवाल को रिहा करो। आखिर इस धरना प्रदर्शन के पीछे उनकी मंशा की क्या थी और क्यों ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, खुद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का ये बयान सुन लीजिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 50 से नीचे 36 बार जा चुका है और ये प्रमाणित डाटा आ चुका है। मेडिकल जो रिपोर्ट है जेल की, उसके द्वारा हमारे वकील को मुहैया कराया गया है केजरीवाल साहब के। आप अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 3 बार के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके ऊपर साजिश कर रहे हैं। 50 से कम शुगर लेवल में आदमी कोमा में जा सकता है, इतनी गंभीर स्थिति है। और बावजूद इसके आपने एक फर्जी मुकदमा सीबीआई का तैयार किया सिर्फ और सिर्फ उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए, जब उनको ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी, जब उनको हाई कोर्ट में आप पहुंच के तुरंत बगैर ऑर्डर की कॉपी के, भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ बगैर ऑर्डर की कॉपी के ईडी ने स्टे ले लिया उनकी रिहाई पे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, मामला अरविंद केजरीवाल को मारने की एक गहरी साजिश तक है। इसलिए उनको तुरंत रिहा किया जाए और ईडी, सीबीआई, आईटी, जो इनका भाई है भाजपाइयों का, मोदी जी का, उसको निर्देश दिया जाए कि विपक्षी नेताओं को जिस तरह से वो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, ये सब बंद करें, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, फिर चाहे हम मनीष सिसोदिया की बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें या फिर खुद दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो भी शराब घोटाला मामले में इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कई सारे सांसद जब भी संसद सत्र की शुरुआत होती है तब ऐसे हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के वो संसद परिसर पहुंच जाते हैं और इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब मॉनसून सेशन की शुरुआत होने वाली थी तब भी संजय सिंह जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और सरकार के खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप भी उन्होंने लगाया था। दरअसल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश कर रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को अग्निवीर योजना वापस लेनी चाहिए। बजट को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार महंगाई से राहत देने के लिए क्या फैसला करती है। सरकार को अग्निवीर योजना को वापस लेना चाहिए, क्या सरकार जीएसटी से राहत देती है। इन तमाम मुद्दों पर यह बजट कैसा रहेगा, इस पर सभी की निगाह है। साथ ही उन्होंने आगे ये कहा कि देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली और पंजाब को लेकर बजट में क्या होगा। लाखों करोड़ों का टैक्स दिल्ली की जनता देती है, ऐसे में इस पर सभी की निगाह है कि दिल्ली को इस बार क्या मिलता है। सुनिए संजय सिंह का ये बयान जो कि बजट को लेकर के उन्होंने दिया है। देखिए, पिछले 10 सालों से भारत की करोड़ों जनता महंगाई की मार झेल रही है, उससे राहत के लिए इस बजट में क्या होगा, इसकी ओर सबका ध्यान जाएगा। किसानों की एमएसपी की मांग लंबे समय से चली आ रही है, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, उनकी एमएसपी को बढ़ाने के लिए बजट में क्या है, इसको देखना होगा। भारत की सेना को आपने 4 साल के ठेके पर रख दिया, अग्निवीर जैसी योजना लाकर भारत की सेना को कमजोर करने का काम किया,
आपके खुद के घटक दल कह रहे हैं कि अग्निवीर वापस लो, उस अग्निवीर योजना को वापस लेकर सेना की भर्ती पुरानी स्थिति में 17 वर्षों के लिए जैसे पहले होती थी वैसे बहाल किया जा रहा है और उसके लिए बजट निर्धारित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसकी ओर नौजवानों की निगाह होगी। तो युवाओं का रोजगार, किसानों की एमएसपी, देश की जनता को महंगाई से राहत, ये बड़े मुद्दे होंगे जिसकी ओर इस बजट में लोगों की अपेक्षा है और वो ध्यान रखे अपना ध्यान देंगे। व्यापारी वर्ग जीएसटी से परेशान है, उसको आप क्या राहत देने जा रहे हैं, क्योंकि जीएसटी की मार दो तरफा पड़ती है, एक तरफ व्यापारी को पड़ती है और दूसरी तरफ उपभोक्ता को पड़ती है। जितना आप टैक्स बढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिरकर जनता के ऊपर आता है और महंगाई बढ़ती है। तो इसलिए ये तमाम मुद्दे हैं जिसकी ओर हम सबका ध्यान रहेगा, क्या आता है बजट में उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जहां तक दिल्ली और पंजाब का सवाल है, दिल्ली का बजट तो मैं अभी से लीक कर सकता हूं। दिल्ली को पिछले 9 साल से 325 करोड़ से ज्यादा नहीं मिल रहा है। उसका सिर्फ एक कारण है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुन लिया, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कैसे बन गए, आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बन गई, इसका बदला लिया जा रहा है दिल्ली के लोगों से। लाखों करोड़ का टैक्स दिल्ली की जनता देती है केंद्र सरकार को और बदले में हमको पिछले 9 साल से 325 करोड़ रुपए मिल रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिल रहा है। और आज के बजट को मैं अभी लीक कर सकता हूं, आप देखिएगा बजट आएगा 325 करोड़ से ज्यादा हमें मिलने वाला नहीं है। पंजाब की हालत यही है, 8000 करोड़ रुपए अलग अलग डेवलपमेंट के विकास की योजनाओं का इन्होंने रोक के रखा हुआ है। तो ये सारे विषय हैं, इसको हम लोग देखते हैं बजट में आज क्या सामने आता है। इकोनॉमिक सर्वे कल आया है, उसको आप लोगों ने देखा ही होगा। आप बताइए, ये भाजपाई नौटंकी करते हैं, कहते हैं चीन के सामानों का बहिष्कार करो, चीन के सामानों का बहिष्कार करो। यहां तो स्टोर तोड़ते हैं सैमसंग का, और इनके जो आका बैठे हुए हैं ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वो चीन जो हमारी भारत की सीमाओं पर कब्जा कर रहा है, वो चीन जिसने गलवान घाटी में हमारे जवानों की शहादत ली, वो चीन जो लगातार घुसपैठ कर रहा है भारत की सीमा में, उस चीन के साथ 68% आयात बढ़ाया है। इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि आप उस देश के साथ आयात बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं जो हमारे देश की सीमा में घुसपैठ कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की खोखली राष्ट्रवाद की विचारधारा को प्रदर्शित करता है। मैंने सारी चीजों की बात कही। कर्मचारियों को हमेशा उम्मीद होती है कि उनका टैक्स स्लैब बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों को, आम आदमी को, इस देश के करोड़ों लोगों को सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि महंगाई से कैसे राहत मिलेगी। ओपीएस का मामला इतना पुराना चल ही रहा है, उसके लिए आप देखते हैं लाखों कर्मचारी सड़क पे आते हैं। तो आप इन बिंदुओं पे क्या कर रहे हैं, एमएसपी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, अग्निवीर का सवाल है, रोजगार का सवाल है, उसको कैसे ये बजट एड्रेस करता है, इसको हम लोग देखेंगे। आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो गया है और संसद सत्र के 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। इस बार सत्र में 22 दिनों की अवधि के दौरान 16 बैठकें होंगी। बता दें कि इससे पहले जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी तब भी संसद में भारी हंगामा देखने को मिला था और विपक्ष की कई सारी पार्टियां जो है वो अलग अलग हिस्सों के दौरान प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई थी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने खासकर अरविंद केजरीवाल को लेकर के धरना प्रदर्शन किया था और सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, जो कि अभी भी वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी की करें तो उन्होंने भी बकायदा संविधान को लेकर के प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे और उनका यह कहना था कि वो संविधान की रक्षा करेंगे। खैर, वो दूसरी बात है कि जिस संविधान को लेकर के वो घूमते नजर आते हैं और जिस संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं
को लेकर के भी बीजेपी ने कई दफा निशाना साधा, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो हाथरस तो पहुंच जाते हैं पीड़ित की हालचाल पूछने के लिए, लेकिन वो खुद कर्नाटका नहीं पहुंचते जहां पर कई सारे लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो गई क्योंकि उन्होंने जहरीली शराब पी रखी थी। खैर, इस मामले में ना तो राहुल गांधी उस जगह का दौरा करते हैं और ना ही उस पूरे मामले को लेकर के एक भी पोस्ट, एक भी ट्वीट, ना ही कोई उनका बयान सामने आया है। ऐसे में कई लोगों ने यह सवाल भी किया कि एक राहुल गांधी की कैसी मोहब्बत की दुकान है जो कि एक तरफा चलती है और जो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में हो रही चीजों को लेकर के चलती है, और जब अपने राज्य की बात आती है तो राहुल गांधी ना ही एक शब्द बोलते हैं और ना ही इस पूरे मामले को लेकर के कोई पोस्ट करते हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो है वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में उन पर आरोप तय कर दिया गया है। बकायदा ईडी की चार्जशीट हो या फिर सीबीआई की चार्जशीट हो, उनको मेन कल्प्रिट बताया गया है, मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात माने तो उनका यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जोर जबरदस्ती और झूठे केसों में फंसा करके जेल के अंदर रखा गया है। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ झूठे मुकदमे में फंसाया गया, ये शराब घोटाला तो एक्चुअल में हुआ ही नहीं है। लेकिन ईडी और सीबीआई के तमाम सबूतों की अगर बात करें तो उन्होंने एक एक करके कई सारे सबूत कोर्ट के सामने रखे हैं, फिर चाहे वो ट्रांसफर मनी का मामला हो या फिर कैसे उन पैसों का इस्तेमाल इलेक्शंस में खर्च किए गए हों या फिर कैसे कहां से किसने कितने रिश्वत ली, ये तमाम चीजें बकायदा ईडी और सीबीआई की ओर से कोर्ट में रखे गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।